वाद यून नौजवान अमन तो तरक्की हंद ख्वाहिशमंद कैंसो लूको तरफ नौजवान वुत दिन कोशिश मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के मसले बाबत सियासी हल जरूरी खुतस मज अमन अमान कायम करने बाबत कदबात जरूरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो जिला तरक्याती कमिश्नर अनंत नाग सुन बमजू इलाक दौर महकमे पी एच ई कैन कई हन तमीरती काम सा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कशिर खबरनामे हेत छुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। एस के आई सी सी श्रीनगरस मज एतियाज इंतजामिया तरफ बदलता जम्मू कश्मीर तकरीबी हुन सांस करना आव यथ मज एल जी मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता तो इंतजामी क्यों दोमो जिम्मेदारों अलाव नौजवानों शिरकत कर तु मनोज सिन्हा अथ मौक पे कई ऑनलाइन सर्विसन इफ्तिताह कोरमुत ये जन तमो अथ मौक पे वो जोदव कैंसो लूको तरफ आज वादी हुन नौजवान गुमराह कर कोशिश करवान ताहम च नौजवानों तरफ सोचस मज बदलाव अनित पन मुस्तबिल ताबनाक बनानुक अहद करना आमुत। मनोज सिन्हान चु अत मौक पे वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ च गोड़े बेगुना को छेड़ो मत और गुनाकार को छोड़ो मत नारा दिना आमुत तो अत पे यी ब्रो कुन ते अमल करने। कई लोग कह रहे हैं कि साहब बदला क्या है, मैं बहुत छोटी छोटी बात बताता हूँ बदला क्या है। स्ट्रीट वायलेंस जम्मू कश्मीर में इतिहास की बात हो गई, ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये सामान्य बात नहीं है। आतंकवादी अलगावादी संगठन और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन बंद होते थे स्कूल कॉलेज बिजनेस ट्रेड, वो अब इतिहास की बात हो गई। आम आदमी किसी के डिक्टेट पर नहीं अपनी मर्जी से अब जम्मू कश्मीर में जी रहा है, यह भी मैं समझता हूं कि बड़ी उपलब्धि है। अंधेरा होता था उसके पहले घर में पहुंच जाना है, अब 11 बजे रात को झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए आइसक्रीम खाते हुए नौजवान श्रीनगर के यूरोप के बाकी शहरों की तरफ गीत गुनगुना रहे हैं, ये बदलाव हुआ है और ये सामान्य बदलाव नहीं है। और इसमें नुकसान किसका है? मैं बार बार कहता हूं कि नए प्रकार की इकॉनमी जम्मू कश्मीर में पैदा कर ली गई कुछ लोगों के द्वारा। नेताजी ने विस्तार से बताया है कि जीएसटी में हमारी ग्रोथ क्या है, टैक्स कलेक्शन हमारा कितना बड़ा है, इकॉनमी हमारी कैसे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कॉमन मैन और गरीब आदमी का होता है। 1,88,00,000 लोग पिछले साल आए, किसके चेहरे पर खुशी आई है? ऑटो चलाने वाले के चेहरे पर खुशी। जो टैक्सी चलाता है उसके परिवार में समय से रोटी मिले, उसके बच्चे को फीस मिल रही है और कपड़ा मिल रहा है। छोटे होटल वाले, रेहड़ी वाले, रेस्टोरेंट वाले आज सब खुशहाल हैं। कॉमन मैन खुशहाल है, गरीब आदमी खुशहाल है। ये कैसी इकॉनमी बन गई थी, ऐसे लोग थे जो मैं कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी ही नहीं कहता हूं बल्कि इस अशांति के प्रोफेटियो के प्रॉफिट लेने वाले लोग, यही उनका व्यवसाय था। वो उनसे भी बात करते थे, उनका काम चल जाता था, लेकिन गरीब आदमी इस दुर्दशा में रहता था। मैं समझता हूँ ये सब आपने महसूस किया है। मैं तो अभी 3 साल से हूँ, आप पिछले 30 सालों से इस दुर्दशा को झेल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी दुनिया के किसी इलाके में अगर शांति हुई और शांति स्थापित हुई है तभी विकास हुआ है, और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं हो सकता। जिन लोगों ने गुमराह करके यहाँ के नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया, जिनके हाथ अभी भी निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया। अब जम्मू कश्मीर का नौजवान भी देश नहीं, दुनिया के नौजवानों की तरह उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा हिलोरे मार रही। और मैं जानता हूं यहाँ के नौजवान में, यहाँ की बच्चियों में जो टैलेंट है, शायद देश नहीं दुनिया के बहुत कम देशों में टैलेंट देखने। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए इस बदलते जम्मू कश्मीर में अगर 25 साल बाद हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से कम नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा योगदान जम्मू कश्मीर का हो
वो आपके भरोसे हो सकता है, इतना ही निवेदन करके। और एक बात, अब भरोसा आपको देते हैं, मैंने बार बार कहा है कि नीति बड़ी स्पष्ट है हमारी, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। बेगुनाह आदमी को कभी कोई तंग करे, ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन न चाहता है न होने देगा। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं किसी बेगुनाह आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी समय दिन रात कभी भी आप बताइए, मैं आपको सुनिश्चित रूप से भरोसा देता हूं कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर गुनाहगार को कोई शरण देगा तो उसे बचाया भी नहीं जाएगा। मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की तो दूर दराज इलाकन मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थाने सवाल बड़ दाव कर मलांग दीसा डोडिको लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत जदवे इलाक में हेल्थ सेंटर कायम कर आमुत ताहम अति रोज बापत अमल तैनात कर आमुत यम कि लूकन विज विज मुश्किल वेतन पेवान ये जन अति रात गोबर जन अल पल पंदा किलोमीटर सफर तय कर पत् हस्पताल वातना आई तो मुकामी लूको तरफ वन आमुत सड़क हिं शहर पर हवाला आई कई फिर इंतजामिया मांग कर ताहम अत कुन तक जोन दिन मेरा नाम तिलकराज ठाकुर है, मैं मलान देसा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं सर। ये कल रात का वाक्या है जब एक लेडी जो है क्रिटिकल कंडीशन में थी तो उसके हस्बैंड ने इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है। अब वहाँ से हमें वो चारपाई पे उठाकर उसको जो है गेही तक पहुँचाना पड़ा। उसका रीज़न ये है सर कि आज के दौर में भी हम लोग जो है हमारे जितने भी पेशेंट हैं हम वहाँ उनको आपने आए दिन ये भी देखा है कि चारपाई का इस्तेमाल हो रहा है। उसका रीज़न है कि हमारे पास एक वहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जिसमें कि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं। अगर ये सुविधा वहाँ होती तो हमें जो है इतना चारपाई पे लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वहाँ मेरा नाम सुभाष चंद्र, मैं ग्रामीण देसा का रहने वाला हूँ सर। जो कल वाकया पेश आया है ये मलान जरतुन के परली साइड में मलान का गाँव का नाम है। बलवान सिंह की वाइफ है, वो लेडी प्रेगनेंट थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सर कि आज भी हमने पालकी का सहारा लिया। अगर रोड होती, अगर वहाँ पे हॉस्पिटल होता, वहाँ में कोई सुविधा होती डिपार्टमेंट की तरफ से या आपने किसी सर सयाती मुकाम गुलमर्ग में आज टूरिज्म महकम तरफ तिरंगा रैली हूँ सांस कर आमुत यथ मज महकमे सयाहतिक डायरेक्टर तो दोमे जिम्मेदार अलावा नौजवान हिंद बड़ तदाद शिरकत कर ये जन डायरेक्टर टूरिज्म अत मौक पे वो ज सयाहत पोशर दिन बापत ये कया कदम तुलने आमुत तत गुलमर्ग मजीद जायज़ नजर बनानस तो सयाहन मजीद बुनियादी सहूलियत आयतन थानस हवाल तया कदम तुलना आमुत। देखिए 15 अगस्त का दिन करीब है और पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में, यूटी में हर जगह तिरंगा रैलीज हो रही है। तो हमने सोचा कि जो गुलमर्ग है हमारी वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, यहाँ पर भी हम इस टाइप की एक रैली का इनेकाद करते हैं। यहाँ गुलमर्ग में आप लोग सब जानते हैं कि ATVs काफ़ी फेमस है, ये हमारे टूरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि एक ATV से एक तिरंगा रैली यहाँ शुरू करें, तो जो कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ATVs वालों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया इसमें। ज़िला तरक़ियाती कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हमदन बमजू इलाक दौरे कर्मुत यह दौरान तिमन हमरा इंतजाम दोयम अफसर ते मौजूद है। अत मौक पे ये तमो इलाक में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम हिज काम हूँ जायजा हो तु तमो वाटर टेस्टिंग लैबी हिंदी कामकार इख्तसाम हिचम ये जन तमो अत मौक पे वो मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ कर आम स्कीम जिले में जमीनी सुतरस पे अमलाने सवाल संजीद कदम तुलना आम मिशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की सदारत में यूनियन लेवल पे और यूटी लेवल पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK यूटी की डायरेक्शन पे हो रहा है। तो जिले अनंतनाग में भी इस मिशन पे तेज़ी से काम हो रहा है। 512 हमारी टोटल स्कीम्स हैं और हमारी 46 कंप्लीट हो गई है, दो आज फिर से इनॉग्रेट हो रही है। पूरी जल जीवन मिशन की टीम बड़ी तेजी से। ओल्ड अस्पताल बद्रवास में आज महकमे सेहत आयुष तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजन हवाले मेडिकल कैंपक सांस कर आमुत यथ मज माहिर डॉक्टरों तो जिम्मेदार अलावा मुकामी लूको शिरकत कर अत मौक पे ये लूकन हूँ मुफ्त इलाज कर आव तु मुख्तलि बेमार हवाले लूकन मज मुफ्त दवा त बगरन आमुत ये मुकामी लूको तरफ अमे हवाले खुशी हूँ इजहार कर आव तु जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दूर दराज इलाकन मज रोजन वाले लूकन तबी सहूलियत आयतन थानस हवाल यथन कैंपन हूँ सज कर लूकन कुन कस्म मुश्किल वेतरिन पेन बात ये डायरेक्शन थी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब भूपिंदर सर जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के
एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनके डायरेक्शंस पर ये सीएमओ साहब की निगरानी में ये कैंप हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर म्यूनसिपलिटी एरिया में हमारा मेन मकसद यही चीज़ है कि एनसीडी स्क्रीनिंग भी हो जाए। एनसीडी के तहत जितनी आप देख रहे हैं कि जहाँ हम खड़े हैं ये भद्रवाह का ओल्ड हॉस्पिटल है और बहुत काफ़ी पहले जो है पुराना यहाँ हॉस्पिटल खुला था और फिर मुझे लगता है शायद 70-80 साल या 90 साल के आसपास यहीं हॉस्पिटल चला। अब जो हमारा नया हॉस्पिटल बना है वो डंडी में शिफ्ट हो गया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अहरगाम त्राल के लोगों तरफ से शिकायत बवान वन आमुत यदवे अहरगाम शेराबाद वती हिं शहर पर हवाले कह फिर हुकाम अंजान दिन आई ताहम चुना आज ताम कहाँ कदम तुलना आमुत यम किन अहरगाम शेराबाद तथा अंद पक इलाकन में रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पे मुकामी लोगों तरफ से मांग करना आमुत सड़क हिं शहर पर हवाले गजन कदम तुलने यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। इसके बारे में हम क्या कहेंगे, आज से तकरीबन 12 साल पहले ये आरएनडी वालों ने ये निकाली है पहले, तो फिर बाद में ये आरएनबी वालों ने अपने हाथ में लिया है। 11 साल से वो कहते हैं कि इसका प्रोजेक्ट बन गया है ये हम इस साल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं रफीक अहमद वानी, बस अड़गाम रोजन। जनाब अच्छा सड़क हूँ मसल तो ये टोटल सड़क बुल तम 1 किलोमीटर ज्यादा खुद ज्यादा सड़क मगर यहाँ टोटल गमस खस्ती सड़क यथ कुछ तवजू दिवन कहें नाजरीन खबरनामे जारी ये नमो अख तजारती वक्फ।